मैं सूबा जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो बोलदा। जिहड़ी मीडिया 'च आ रहा भी जिहड़ी डी जी पी साहब ने रिपोर्ट दित्ती आ उस 'च जिहड़े उन्होंने संकेत दित्ते ने भी इस 'च कुछ जुनना दे बंदे भी हो सकदे आ, सो असीं पहलों कहिंदे रहे भी समें दीआं सरकारां किसान मजदूर अंदोलन नूं बदनाम कर ली इहो जिहे इलजाम ला सकदे आ। जिन्हां ते हमला होया उन्होंने कहा भी इन्हां विच किसान कोई नहीं सी मैनूं नज़र आउंदा, मेरे नाल साजिश खिलाफ़ हमला आ। तो जिहड़ा उन्होंने रिपोर्ट कहा भी पिछला शीशा टुटिया सी जां साइड दी विंडो, पर जिहड़ी कार आ कार दा ते बहुत सारा नुकसान हो गया। सो इह मतलब निरपक्ष जाँच नहीं हैगी। घटनावां बहुत सारियां पंजाब 'च होईआं पर मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव लै के कभी भी इस तरह का डी जी पी की ड्यूटी नहीं लाई, ईवन दैन होर धार्मिक मसलों पर भी। सो इस करके ये किसान अंदोलन नूं बदनाम करन वाली गल आ, असीं इस चीज़ की निंदा करदे आ। साडियां जथेबंदियां कभी भी इस किस्म का कभी कोई काम नहीं करता। शरारती अंसर हो सकते आ जिहड़े किसी हाकम वल्लों भेजे हो सकते जी, इहो जी कार्रवाई कर सकते आ। आपां नूं 20 साल इत्थे संघर्ष करदा कभी फुल तक नहीं सरकार का तोड़िया। सो इस जिहड़ी जो रिपोर्ट आ रही है इहदे नाल असीं सहमत नहीं हैगे, ते इह निरपक्ष तरीके नाल इहदी जाँच होनी चाहीदी आ, ते किसानां मजदूरां उपर जिहड़ा नजायज़ आ उह इलजाम नहीं लगना चाहीदा। 21वें दिन विच साडा इह रेल रोको अंदोलन चला गया वा। इहदों गाहां जिहड़े इक बन्ने गलबात लई सद्या गया सीगा, ते दूजे बन्ने जिहड़ी महाराष्ट्र विच प्रधान मंत्री जी ने बयान दागे आ। एक तां इह गल कही गई आ भी किसानां ने पैदावार बहुत कीती आ, खंड दी होवे, दुध दी होवे, कणक दी होवे, स्टेटां दे नां लए गए। असीं कहिंदे भी इस गल दा जवाब देश मंगदा भी इन्नी पैदावार करन तों बाद, क्योंकि जिहड़े मोदी जी कह रहे भी अन्न दाने नूं असीं उद्यमी बनाउणा वा, उह उद्यमी सीगा तां ही उहने इन्ना अन्न पैदा कीता। पर दुख वाली गल आ भी जिहड़ा इन्ना अन्न पैदा करन तों बाद भी देश दे 50 किसान क्यों रोज़ कर्जे करके खुदकुशियां कर रहे आ, क्योंकि उन्हां नूं कदी भी लागतां अनुसार भाव नहीं मिले। तो इहदों गाहां भी इह जिहड़ा इन्नी उपज दे विच जे सही अज तक रेट नहीं मिले, तो जिहड़ा अन्नदाता जिहनूं कहा गया भी अज पहली बार इतिहासिक फैसला करके असीं उहदी आमदन दुगनी करन दा फैसला कर रहे हां, उहदा कोई रोड मैप प्रधानमंत्री जी कदी भी नहीं दसदे। असीं अपनियां दलीलां नाल दसदे हां भी साडियां खादां दे, दवाइयां दे, कीटनाशक जहरां दे, बीजां दे, लेबर दे रेट लगातार वध रहे ने, खेती उपज तो कुछ मिल नहीं रहा, साडे सिर ते लागतां वध रहीआं ने। किहड़े तरीके नाल मोदी साहब ये लागतां दे रेट साडी आमदन दुगनी करवाउणगे? पंजाब दी 24,000 रुपया प्रति परिवार साल की आमदन आ, वह दूनी भी होजू तो कोई फर्क नहीं पैना, पर दूनी होनी नहीं। दूजे बन्ने जिहड़ा इतिहासिक फैसला वा, असीं भी कहिंदे इतिहासिक आ इह फैसला, इस पक्ष तो आ भी पूरा जिहड़ा खेती सैक्टर आ, जिहड़ा कुदरती साडे कोल संसाधन आ खेती उपज दे, उहदे ते कारपोरेट घराणियां दा फैसला कर लिया, तो उद्यमी नूं पूरी तरह भखारी बनाउण दा फैसला कर लिया। साडियां जमीनां ते कॉन्टैक्ट बेस खेती दे थ्रू कारपोरेट घराणा का कब्जा करवाना, सानू खेतों चो बाहर करना। सो आ जड़े मुख रूप आ जी अज दिल्ली गलबात हुई आ सकत्तर एग्रीकल्चर ना उहदे परिणाम बाहर निकल के आए, एक बने 6-8 मंत्री पंजाब कॉन्फ्रेंसा कर रहे हैं, तो यह नैशनल मीडिया से विखालना वा जाके भी असी तो पंजाब लोगों समझाउण च कामयाब हो गए हैं, साडा पक्ष नहीं उधर जाना। पर पंजाब के लोगों ने जिहड़ियां खबरां मिल गई किसानां मजदूरां दफ्तरां च घेर के, पुलिस ने लोगों नूं कह के किसानां मजदूरां नूं राह दवाया शांतमय तरीके नाल, भी दफ्तर च मीटिंग नहीं करदे। सो साडे जायजे अज सही साबित होए आ भी जदों देश का प्रधानमंत्री सब तो चंगा कानून कहे, देश का प्रधानमंत्री कहे भी इहदे नाल आमदन दुगनी हो जाणी आ, इह 21वीं सदी का सब तो चंगा फैसला, तो उहदा कोई अपना IAS अफसर है जिहड़ा एग्रीकल्चर का सकत्तर होवे, उह पार्लीमेंट के पास किए कानून के विच कोई हैसियत नहीं रखता भी वह फैसला कर सके। सो इस करके ही अज दिल्ली की जिहड़ी मीटिंग आ बेनतीजा हो गई आ। और यह भी पक्ष पंजाब विच दोवें पक्ष चले गए, एक असी दलीलां दित्तियां भी असी मीटिंग च नहीं क्यों जा रहे, एक साडे भरा गए आ, एक हिस्से नूं लगदा हुंदा सीगा भी जे गलबात कार आउंदे ते गलबात चों कुछ निबड़ जाणा सी, उह पक्ष भी देश ते पंजाब दे सामने चला गया। सो केंद्र दी नीयत विच खोट आ, उहनां दी नीति माड़ी आ, उह छल करना चाहुंदे आ, ते उहनां नूं आपदे मीडिया ते मान है जिहड़े कारपोरेट दा मीडिया, असीं पूरे देश नूं गुमराह कर लाँगे हुण पंजाब दा,
ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 2024 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਆ, 2024 ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 80% ਨੇ ਕਦੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।